Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject GK of class 3rd. Chapter number 26. The name of the chapter is Body Conditions. हमारी body में कौन कौन से conditions होते हैं या फिर कभी कभी हमें ये चीज feel होते दिखते हैं वो सारी conditions यहाँ पे बताई गई हैं किस तरीके से होती हैं और हम उसे English में क्या कहते हैं. Okay? तो first is to take a deep breath with the mouth wide open. तो इसमें बता रहा है कि जब हम बहुत deep breath लेते हैं अपने मुंह को चौड़ा मतलब wide में खोल के तो उसे क्या बोलते हैं यान बोलते हैं जिसे हम हिंदी में शायद जमाई बोलते हैं या फिर और भी बहुत local language में क्या बोलते हैं तो हम उसे English में basically क्या बोलते हैं यान. Okay? फिर देखिए सेकंड में है टू थ्रो आउट इटेबल फ्रॉम द स्टमक थ्रू द माउथ. हम बहुत सारे इटेबल चीज़ जो खाते हैं कभी कभी आप देखते हैं वो हमारे स्टमक से डायरेक्ट हमारे मुंह से निकलने लगता है जो भी चीज़ें हमने खाई हुई होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं वॉमिट बोलते हैं. ओके ना थर्ड इज टू पुश आउट एयर सडनली थ्रू द नोज एंड माउथ. अचानक से हम अपने जो एयर है वो हमारे नाक से और मुंह से वो एयर निकलती है और छींक आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं सिंस. ओके फिर देखिए फोर्थ में कह रहा है टू पुश आउट एयर स्पीडली एंड नॉइसली थ्रू द थ्रॉट. ओके तो यहाँ बता रहा है कि आप बहुत स्पीड के साथ अपने नाक से वो एयर को पुश करते हैं आपके जो थ्रॉट होती है उसमें भी तो उसे क्या बोलते हैं उसे हिक्कप बोलते हैं. ये शायद हिचकी है जिसे हिक्कप बोलते हैं. ओके फिर इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है फिफ्थ नंबर पे टू ब्रीथ रफली एंड नॉइसली वाइल स्लीपिंग. आप सोते हुए आवाज़ करते हैं ठीक है तो इसे क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे स्नोरिंग. ओके फिर सिक्स नंबर पे देखिए जो खर्राटे लेते हैं वही है स्नोरिंग. ओके सिक्स पे देखिए अ शार्प ऑफ एन रिपीटेड साउंड इन द थॉट. थॉट आपके थॉट पे यही साउंड बार बार आता है मतलब जब खांसी आती है आपको तो जब आप खांसते हैं तो वो आवाज़ आपके कहाँ से आती है थ्रॉट से मतलब आप अपने गले को कंठ जिसे बोलते हैं उसे टच करेंगे तो वहाँ से ही आवाज़ आती है ना तो उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं कफ. ओके सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच.